बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या एक बच्चा प्रेग्नेंट हो सकता है या बच्चे के अंदर एक बच्चा पल बढ़ सकता है? आज की वीडियो एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसको बोलते हैं फीटस विद इन फीटस। एक इंटरेस्टिंग केस था, यहीं साउथ पंजाब का, पिछले दिनों ही डायग्नोज हुआ है। रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड पे बच्चा जो है वो उल्टी और थोड़ा सा पेट में मैस के साथ आया था। उसको जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें ऐसी पिक्चर आ रही थी जिस तरह एक हामला खातून के पेट में बच्चा होता है। तो बच्चे की उम्र लेकिन थोड़ी सी थी। बच्चे के अंदर बच्चा होना एक बहुत रेयर कंडीशन है, और ये इसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। उसी बच्चे को फिर रेफ़र किया गया पीट सर्जरी वार्ड में, निस्तर में उसको ट्रीट किया गया। और आपको पिक्चर भी आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर से ये निकला। ये एक डेवलपिंग फीटस है। बच्चा एक सेल से बढ़ना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। उसके बाजू, उसकी उंगलियां, उसके चेहरे के सारे खदोखाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। ये असल में जो पहला हमल था, जो माँ को ठहरा था, उसी दौरान दो सेल आपस में ऐसे स्टेज पे अलग-अलग हो जाते हैं कि जहाँ से पूरा एक नया जिस्म, पूरा बॉडी बन जाती है। जिस तरह ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स में भी इसी तरह होता है कि एक शुरू शुरू में ही दो सेल अलग-अलग हो जाते हैं। एक सेल अलग एक बच्चा बन जाता है, दूसरा सेल अलग एक बच्चा बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में, फीटस विद इन फीटस में, वो सही जगह पे उसी साथ दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। वो बजाय इसके के माँ के बच्चेदानी में इम्प्लांट होता, प्रॉपर अपना एक पूरा फीटस बनाता, वो दूसरे बच्चे के पेट में जाके कहीं पे अटैच हो जाता है। तो उसकी वजह से वो बाद में जो है, एक तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट उस स्पीड पे नहीं होती, उस तरह से नहीं होती। दूसरा, जब वो बच्चा अलहदा डिवेलप हो रहा होता है माँ के पेट में, वो डिलीवर हो जाता है, दूसरा बच्चा अभी तक पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ होता। ये जस्ट एज अ मास होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। हैड्स ऑफ टू द रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कंदील, जिन्होंने इसको पेरिफ्री पे पिक किया और उसके बाद रेफर किया। और हैड्स ऑफ टू द पीडियाट्रिक सर्जरी टीम इन द नेशनल हॉस्पिटल। तो आप लोगों से मैंने शेयर करना मुनासिब समझा। ये हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, ये एक रेयर केस है और किसी किसी को ये देखने का मौका मिलता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।